नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं चावल की खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। चावल चावल को धो करके और 10 मिनट पहले रख दिया था। 7-8 मिठाई, चिरौंजी, मखाना, काजू, किशमिश, बादाम और ये 1 किलो दूध को हमने पका करके रख दिया। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। ये हमने 1 किलो दूध लिया था जो भगोने में, उसको डाल लिया है इसमें। आज हम कढ़ाई में बनाएंगे खीर और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और दूध को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। ये दूध हमारे बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इसमें डाल देंगे चावल, इसको हमने धो करके रख लिया था। ऐसे इस तरीके से चलाते रहेंगे। चावल पक चुके हैं लेकिन अभी खीर को अभी और गाढ़ी होनी है। चावल थोड़े और पकेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मखाने, इस तरीके से चला देंगे अच्छे से। डाल देंगे चिरौंजी दाना, बादाम और काजू, किशमिश को हम बाद में डालेंगे और इन सबको चला देंगे अच्छे से। पकने देंगे थोड़ी देर और। अभी अब हम डाल देंगे शुगर। शुगर हम नहीं दिखा पाए थे सामान में, शुगर आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। इतना आपको कम मीठा ज्यादा मीठा पसंद हो उसके हिसाब से। मैं चावल पक चुके हैं, सारे मसाले पक चुके हैं और शुगर भी डाल दी है, वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई होगी। अब बारी है ये जो हमने मिठाई ली थी उसकी, तो इसको हमने इस तरीके से मसल करके इसका मावा जैसे तोड़ लिया है। अब इसे डाल देंगे इसी में और इसको अच्छे से हम चला लेंगे। इस तरीके से इसको 5-6 मिनट तक चलाएंगे। तो देखिए लगभग हमारी खीर पक चुकी है। इसमें डाल देंगे किशमिश और इसको डालने के बाद 2-3 मिनट और पकाएंगे। गैस की फ्लेम को धीमे करें थे, तेज कर दूंगी थोड़ा सा। ये देखिए खीर हमारी पूरी अच्छी तरीके से पक चुकी है। हम गैस को बंद कर देंगे। चलिए हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारी खीर बन करके तैयार है। बनाने में बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।